कोरोना काल में आज के दिन में सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत मुश्किल समय सबके सामने बीत रहा है, और ऐसे में ज़रूरी है कि सबका ध्यान रखने के लिए, पूरे समाज का ध्यान रखने के लिए हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी तरफ से सतर्क और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद सेफ रहेंगे, खुद को एकदम संक्रमण से दूर रखेंगे, तो संक्रमण फैलने का भी मौका उतना कम होता जाएगा। पिछले कुछ समय में छत्तीसगढ़ में भी हम लोग इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, उसको उसके सामने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों ने बहुत ज़्यादा सतर्कता दिखाई है, अपने आप से बाहर से आने वाले लोगों की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचाने में बहुत सक्रिय रहे हैं। हर गाँव में क्वारंटीन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, जहाँ पे 5 से 10 लोगों के बीच में क्वारंटीन किया गया है, और गांव वालों ने खुद ही अपने आप से इनिशिएटिव लेके सहयोग करके क्वारंटीन सेंटर्स में ऐसा माहौल बनाया कि आने वाले लोगों को तकलीफ भी ना हो, उनके खाने की व्यवस्था भी हो जाए और साथ साथ बीमारी का संक्रमण को भी रोका जा सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हद तक जो नए लोग आए और सब बंद होने के कारण अर्थव्यवस्था में भी जो दिक्कतें आ रही थी, उसको देखते हुए मनरेगा में लोगों का बहुत सहयोग मिला और मनरेगा के माध्यम से लोगों को बहुत राहत भी मिली। हम लोग के यहाँ जहाँ सरगुजा ज़िले में कोरोना के पहले 20 से 25 हज़ार लोग हर दिन मनरेगा में एक्टिव रहते थे, वहीं अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग एक समय में एक्टिव हैं, जो कि लगभग 98% जॉब कार्ड्स को रोज़ काम दिया जा रहा है। और लोग खुद भी बहुत ध्यान रख के काम कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई कुआं खोदना है या किसी तालाब का घेरीकरण भी करना है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए अपने 12x12 के ब्लॉक बना के वहाँ खुदाई करते हुए लोग बहुत ध्यान से काम कर रहे हैं। और अगर इसी सतर्कता से जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र ने अपना सहयोग दिया है, शहरी क्षेत्रों में भी आ जाएगा, तो मेरे को लगता है इस संक्रमण से हम लोग जरूर जीत पा पाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।